और नीट के नतीजों को लेकर आज फिर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई होगी। काउंसलिंग पर रोक लगाने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग लगातार की जा रही है और मामले की जांच एसआईटी से कराने की भी अपील की गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक से इनकार कर दिया है और जो याचिकाकर्ता हैं वो लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि परीक्षा को दोबारा कराया जाए और मामले की जांच एसआईटी से कराया जाए। जो अभी फिलहाल काउंसलिंग हो रही है उस काउंसलिंग पर भी रोक लगाई जाए। और अरविंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी मीडिया संवाददाता दिल्ली से। अरविंद, लगातार सुनवाई चल रही है लेकिन हाईकोर्ट काउंसलिंग पर रोक से इनकार कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट के शरण में अब मामला पहुंचा हुआ है, क्या कुछ सुनवाई होनी है आज? देखिए, पिछली बार जब मामला लगा था वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लगा था और सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग से इनकार किया था, काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार किया था। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये कि सुप्रीम कोर्ट में जो पहले याचिका आई थी वो इस मामले में जो रिजल्ट आए हैं उनसे पहले दायर, रिजल्ट 4 जून को आया और 1 जून को वो याचिका दायर हो गई थी और उस याचिका में सवाल ये उठाया गया था कि 5 मई को जो नीट की परीक्षा हुई उसमें कई सेंटर पर पेपर लीक होने की शिकायत सामने आई है, लिहाजा उस परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए और उस जगह पर नए सिरे से परीक्षा होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि परीक्षा की गरिमा प्रभावित हुई है और ऐसे में कोर्ट ने कहा था कि एनटीए से जवाब लेना बनता है और कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया था। लेकिन आज जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लगी है ये रिजल्ट यानी 4 जून के बाद तैयार हुई है और इसमें रिजल्ट में जिस तरीके से धांधली सामने आई है, जिस तरह की गड़बड़ी सामने आई है उस पर सवाल खड़े किए गए। मतलब ग्रेस मार्क को लेकर सवाल खड़े किए गए कि जो ग्रेस मार्क है ये मनमाना सिस्टम है और इसके जरिए कुछ छात्रों को दो एंट्री देने की कोशिश की गई है। सवाल ये भी उठाया गया कि ऐसा कैसे व्यवहारिक तौर पर संभव है कि 67 छात्रों की 720 में से 720 नंबर आ जाए और उनमें से भी 8 छात्र एक ही सेंटर के हैं। तो रिजल्ट के बाद जो याचिकाएं दायर हुई हैं आज वो सुनवाई के लिए आएंगी और आज याचिकाकर्ताओं की तरफ से जो वकील है उनकी कोशिश रहेगी कि वो काउंसलिंग को रोक हासिल कर ले। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करता है, सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसे में अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट अगर अभी काउंसलिंग की इजाजत दे भी देता है तब भी ये कह सकता है कि हमारा जो अंतिम आदेश होगा मामले में उस पर कहेगा कि काउंसलिंग का फ्यूचर क्या रहेगा आने वाले दिनों में। अरविंद, जिस तरीके से पेपर लीक के मामले सामने आए थे नीट में और अंकों में गड़बड़ी की बात भी आ रही है, इसको लेकर कई याचिकाएं दायर की गई हैं, सुप्रीम कोर्ट भी एनटीए के विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रहा है, नीट के पूरे एग्जाम इस प्रोसीजर पर सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन जिस तरह से काउंसलिंग पर रोक से इनकार और तमाम जो चीज़ें हो रही हैं, क्या लगता है आपको आज की सुनवाई में क्या कुछ होगा? और अगर मान लीजिए एक बार फिर से रोक नहीं लगाता है सुप्रीम कोर्ट तो क्या ये जो पूरा प्रोसीजर है वो जारी रहेगा? अगर सुप्रीम कोर्ट काउंसलिंग रोक नहीं लगा है तो इसका मतलब पूरी प्रक्रिया है वो जारी रहेगी, काउंसलिंग हो सकती है उसके बाद पर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जैसा मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ये भी तय कर सकता है कि इस केस को लेकर फाइनल ऑर्डर होगा उस पर निर्भर करेगा कि जो काउंसलिंग इस दरमियान हुई है उसको माना जाए। दूसरी बात ये कि इस बात की पूरी संभावना है कि आज जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लगी है उन पर सुप्रीम कोर्ट एक नोटिस जारी करे और उनसे जवाब मांगे और साथ ही जो आज याचिकाएं सुनवाई से लगी हैं उनको पहले से दायर और पहले लंबित याचिकाएं हैं उनको एक साथ सुनवाई के लिए जोड़कर आगे सुनवाई करें। चलिए, बहुत शुक्रिया अरविंद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। लखीसराय में एसआईटी को बड़ी कामयाबी मिली है। एसआईटी ने करोड़ों